सवाल पूछा तुमने, लेकिन जरा देर से। ये सवाल तुम्हें केस लेने से पहले पूछना चाहिए था। एक ही बात कितनी बार बोलोगे? कितनी भी बार बोलूं, तुम्हें बात समझ में तो आती नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली परेशान है, और दादी साहब की वजह से कितने गरीब लोग बेघर हो चुके हैं। बोलते जाओ, सुन रहा हूं मैं। एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आपको वाकई में लगता है कि ये केस अरमान को लड़ना चाहिए? मासा, ये लड़कियां फिर अब बहुत ही तेज है, आड़ी टेढ़ी हरकतें करके अरमान की हमदर्दी हासिल करना चाहती है, ताकि वो कमजोर पड़ जाए और हम ये केस हार जाए। आड़ी टेढ़ी हरकतें मतलब? अब कोर्ट में इतनी अच्छी बातें करते हैं, घर पे क्या हो जाता है? अबीरा इस घर की बड़ी बहू है और आप इस घर के बड़े बेटे हैं। अपनी माँ का साथ छोड़कर आप अपनी बहू की तरफदारी कर रहे हैं। अरमान कम है क्या जो अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है? अरमान की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, और अगर वो उसका ख्याल रख रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए। वैसा प्लीज आप तो रहने दीजिए। ठीक है, मैं रहने ही देता हूँ, क्योंकि लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही है। तुम्हें सिर्फ वो कोर्ट कचहरी की भाषा समझ आती है। तुम्हारे लिए ये परिवार रिश्ते, इनसे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। आप परिवार और रिश्ते के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, जिन शब्दों का मतलब नहीं पता हो उनके बारे में बात नहीं किया करते भाई साहब। तुम्हें तो मतलब पता है ना संजय, फिर तुम अपना रिश्ता क्यों नहीं निभा पा रहे हो? परिवार और फर्ज के बीच में मैं फर्ज को चुनता आया हूँ, और तुम परिवार और लालच के बीच में लालच को चुन रहे हो संजय। और बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट को भी मुझे अभी मेल करो, राइट नाउ। या देर डालना, तुम अपना काम कर लो, मैं नूडल्स बना। नहीं, मैं बना लूंगा। अपने से बेटे कुक के साथ बहस नहीं करते, तुम्हें तो पता ही है मैं कितने अच्छे नूडल्स बना। पर अबीरा खाएगी नहीं ना,
मैं बना देती हूँ। टूडल्स, मुझे भूख नहीं है। इसने प्यार से बनाया है। तुमने थोड़ी बनाया है। तुम तो जानती हो कि अभीरा सिर्फ मेरे हाथ के नूडल्स खाती है। तुम तो जानती हो उसके कितने नखरे हैं। हाँ, और तुम तो उसके नखरे उठाने के लिए बैठे हो ना। रोनी देखो, मैं ना पहले ही अभीरा और दादी साहब की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर मेरी परेशानी कम नहीं कर सकती तो प्लीज बढ़ाओ भी मत। सॉरी बोल रहे हो? बेकार की बातें तो मैं कर रही थी। आई एम सॉरी। तुम्हें और अभीरा को कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये देखिए मासा, अरमान ने आपके केस पे अभी तक सिर्फ इतना ही काम किया है। उसे अपनी पत्नी की सेवा करने से फुर्सत मिले तो कुछ करेगा ना। केस अदालत में खड़े होके वकील लड़ता है मासा, लेकिन हमारे अरमान तो आदर्श पति बनने में लगे हुए हैं। देख लेना मासा, वो लड़का आपको जेल भिजवा के ही रहेगा। पे तुम नंगे पांव चल रही थी और आज भी इतनी बड़ी चोट लगी है और तुम ऐसे घूम रही हो। तुम्हें बिना चप्पल के घूमने का शौक है क्या, या फिर तुम्हें हॉस्पिटल बहुत पसंद आ गया है? पहनो चप्पल, पहनो। दोबारा जाना है क्या वहां पे? सामने झुक रहे हैं। पतियों की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। इज्जत कोई कांधे पे बैलेंस किया हुआ बैग नहीं है फूफा सा, जो हम झुकेंगे और गिर जाएगी। जब पत्नी अपने पति के पैर छुए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये संस्कार है हमारे। और जब एक पति अपनी पत्नी को चप्पल पहनने में मदद करे तो वो जोरू का गुलाम। शादी तो बराबरी का रिश्ता है ना फूफा सा, तो बराबरी का है। अभीरा के आने के बाद तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। मैंने भी देखे, मुझ में काफी चेंजेस आए। मुझे लगता है उसकी थोड़ी सी हिम्मत मुझ में भी आ गई है। और काश ये हिम्मत अब सब में बहुत पहले आ गई होती तो काजल बुआ के साथ। संभाल के, तुम भूल रहे हो कि जमाई सा इस घर के बड़े। जानता हूँ दादी सा, फूफा सा इस घर के बड़े हैं, लेकिन बड़ी सोच होनी चाहिए दादी सा। एक इंसान बहुत इजीली अपनी माँ के सामने, दादी माँ के सामने, देवी माँ के सामने इजीली झुक जाता है, लेकिन सिर्फ अगर उसे अपने बच्चों की माँ के सामने झुकना पड़ जाए तो उसकी ईगो आड़े आ जाती है। उसकी सुख दुख की साथी के सामने, उसके हर दुख में उसका साथ देने के लिए जो हमेशा खड़ी रहती है, उसके सामने झुकने में उसकी ईगो सामने आ जाती है। जबकि एक इंसान को तो अपनी वाइफ के सामने सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। I'm sorry, दादी सा, अगर मैं कोई बदतमीजी कर रहा हूं तो really sorry. पर अपनी पत्नी के सामने झुकने के लिए I'm not really sorry. वो तुम्हारी बीवी है अरमान, वो तुम्हारा हेडेक है। लेकिन एक बात याद रखना, उस लड़की की वजह से इस केस में लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए दादी सा, मैं दोनों जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगा। मैं अभीरा का ख्याल भी रखूंगा और इस केस में कोई कसर भी नहीं छोड़ूंगा। और इस बीच रूही को मत भूल जाना। तुम्हें याद है ना, तुम्हें आज मानव से मिलना है।
पायल मान, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम उसमें कोई खामियां ना निकाल पाओ। अगर वो सच में अच्छा इंसान निकला तो तुम्हें उसे मेरे लिए पसंद करना ही पड़ेगा। चिंता मत कीजिए स्वर्णा आंटी, अगर अरमान आज भी नहीं आया तो बीबी के एमजी की वर्ल्ड फेमस कचोरी हम खा लेंगे। हम? हाँ, आप दोनों को भी कचोरी अलाउड है आज। मनीष जी, मैं अभी कह रही हूँ, अगर अरमान नहीं आया ना आज तो मानव को रूही से मिलवा दिया जाएगा। कावेरी जी ने रिक्वेस्ट किया तो इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी, वरना मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ स्वर्णा, पूरी तरह। हाँ भाभी, ये तो लड़की वालों ने कहा, इसलिए मैंने सोचा कि एक मौका दे ही देते उन्हें। भाई साहब, ओरिजिनल लड़की वाला मैं हूँ, भूल गया? दो वे बीबी के एमजी, आप मेरी साइड से। हाउ स्वीट, इतनी मीठी बातें कर रहा है तो उसका मुंह तो और मीठा कराओ। चलो चलो चलो, मीठा खिलाओ इसे। हाँ हाँ, लेकिन तुम दोस्त के दोस्त हो ना, क्या तुम्हें
जो कि आज सम्मान दिया ब्रह्मदेव प्रसाद जी भैया 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 अच्छा बीडी बाबू ओबीसी अध्यक्ष और उससे जुड़े हुए भगवान से प्रार्थना शुभकामना औरत कहती है हमारे तड़पे जवानी माजा कुली हो ही बरबा तो भैया एक बार कहा निकल देते तू नीचे था बहुत नीचे ये कहा हजार दे तू हजार ठीक ना लगे ना एक बार दे दो एक बार 50,000 60,000 आ जाए तो हम ठीक तू ठीक भैया भैया
श्याम देहाती सजना बड़ा होता सजना हम सैया रहता रे राजी हो रुको सब पैसा मिला तो का पर 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 पकले रहत रे साहब भैया भैया अच्छा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के समर्थक के द्वारा बहुत हजारों हजार के पुरस्कार भगवान से प्रार्थना कि वो जल्दी से तत्काल बने पूर्व थे भगवान करे कि जल्दी से उनकी ऊर्जा फिर से वापस आए। चलिए वरुण यादव भवनाथपुर से ओबीसी नेता भगवान से प्रार्थना शुभकामना गाती प्यारी लाली जतना बाजी हो